that's good, good thing, like very good thought process. खुद का ब्रांड शुरू करना है, but खुद का ब्रांड शुरू करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, आज 8 महीने हो गए आपको, 8 महीने में आपने अपने ब्रांड के लिए कुछ प्लान किया है? ऑर्डर्स और ब्रांड्स में थोड़ा सा अंतर है। एक बूटिक करने चलाना है तो आप बूटिक स्टूडियो खोलना है तो आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, राइट? ब्रांड खोलना है, ब्रांड इज लाइक तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, एक प्रॉपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, उन लोगों में से एक क्लास चूज करना चाहिए जिसको आपको टारगेट करना है। वो सारा प्लानिंग करके आप ब्रांड शुरू कर सकते हैं, तो आपकी प्लानिंग उसमें होनी चाहिए। तो मेक श्योर आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब तुम्हारे पास ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले उसके ऊपर काम करके अपना एक फोर्टे क्रिएट करो। किसी को राजस्थान इंस्पायर करता है या मुझे इंस्पायर करता है तो वहां के कल्चर को फॉलो करके आप अपना डिजाइन लाइन शुरू करो, उस ब्रांड के अंदर अपना उस क्लोथिंग लाइन शुरू करो। तो आई थिंक उस वे में सोचना शुरू करो, प्लान बनाना शुरू कर दो, एक बुक बनाओ और उस बुक में प्रॉपर 30 दिन का आपका प्लान होना चाहिए कि इस 30 दिन में मुझे ये कंप्लीट करनी है चीजें। हर दिन आपको अपने आप को ही टास्क देना है, सुबह उठने से पहले ही सोच, उठने के बाद पहले सोचना है कि आज दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। इसमें कुछ भी आ सकता है, आपका कैफे, कोई अच्छा कैफे एक्सप्लोर करना है, ये भी आ सकता है। इलस्ट्रेशन के लिए मुझे 1 घंटा देना, ये भी आ सकता है। रिसर्च के लिए 2 घंटे देने, ये भी आ सकता है। फ्रेंड्स को मिलना आ सकता है। मेक योर लिस्ट इन द मॉर्निंग एंड ट्राई कि वो शाम तक कंप्लीट हो जाए सोने से पहले। आपको इस ये एक्सरसाइज के बाद खुद को पता चलेगा कि आपके अंदर 1 महीने में कितनी सारी चीजें आ गई। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आज हम सोचते हैं कि फ्रेंड्स को मिलेंगे, ये इलस्ट्रेशन के लिए करेंगे, ये करेंगे, बट उसमें से आधी चीजें रह जाती है, हम उतना फोकस नहीं करते, वो आगे चीजें हम कल पे डालते हैं। बट कल जो प्लान करके आप अपनी अपने और प्लान बढ़ा सकते हो, बना सकते हो और कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हो, वो कल वाली चीजें आपके उस लिस्ट में से कैंसिल हो सकती है अगर आपने आज की लिस्ट बनाई। और अगर हर दिन आप अपने लिए एक टास्क दोगे तो आप सोचो 30 दिन में आपके खुद के इंडिविजुअल 30 टास्क हो सकते हैं जो आपने कंप्लीट किए। 30 नई टेक्निक्स आपने सीखनी हो या एक ही नई टेक्निक 30 वेरिएशन के साथ सीखनी हो, वो कंप्लीट हो। अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना।